पवन कुमार और सौरभ कुमार को संरक्षण दे रहा था और उनसे शराब निर्माण का काम करा रहा था, वो गोरे राम पे जो है फरारी का अभियोग दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण में कुल 2-3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और नकली विदेशी शराब 135 लीटर, स्प्रिट 40 लीटर बरामद किया गया। इसके अलावा लगभग 600 खाली बोतल। गोला गतनी समाचार बटुए बेगूसराय से बड़ा खबर आ रहा बटुए, दारू दारू के बोतल, दारू के रैपर, दारू के फैक्ट्री सब भइल बा बरामद। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, उत्पाद अधीक्षक के बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। 2016 से बिहार में शराबबंदी बा, लेकिन शराब तस्कर अपन अलग अलग नमूना पेश कइए देता रह, लेकिन पुलिस भी बिया कि चोर डाल डाल बाड़े तो पुलिस पात पात बिया। बेगूसराय उत्पाद पुलिस के एगो बड़ सफलता वक्त हाथ लागल, जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी क के एगो शराब फैक्ट्री के खुलासा कैल। पुलिस शराब फैक्ट्री के खुलासा करत दूगो शराब तस्कर के गिरफ्तार कैलस, वही जे 135 लीटर विदेशी शराब, जौना में 40 लीटर स्प्रिट, विदेशी शराब के अनेक ब्रांड के रैपर, 600 खाली बोतल, 3 बाइक जब्त कैलस। दरअसल उत्पाद थाना पुलिस के सूचना मिलल कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा भर्रा गांव में अवैध रूप से मिनी फैक्ट्री चलावल जा रहल बा। यह सूचना पे उत्पाद थाना के पुलिस छापेमारी कैलस, तो मौका से पवन कुमार और सौरभ कुमार के गिरफ्तार कैल। यह फैक्ट्री में स्प्रिट से शराब बना के शराब के बोतल में भर के अनेक विदेशी ब्रांड के रैपर लगा के बाजार में बिक्री कैल जात रहे। उत्पाद अधीक्षक सौरभ कुमार बतैनी कि गुप्त सूचना के आधार पर ही कार्रवाई कैल गई बा, जहां मिनी शराब फैक्ट्री के खुलासा भइल बटुए। यह मामला में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कैल गई बा, उनकर गिरफ्तारी खातिर लगातार छापेमारी कैल जा रहल बा, जबकि मौका से 2 लोग के गिरफ्तार कैल गई बटुए पूछताछ कैल जा रहल बा। शराबबंदी के बीच शराब तस्कर बेगूसराय में स्पीड से शराब बना के विदेशी शराब के ब्रांड के रैपर लगा के अनेक ब्रांड के बाजार में बेचे के काम करत रहन, जेकर खुलासा भइल बटुए। नया साल के लेके लगातार पुलिस शराबबंदी के सफल बनावे खातिर छापेमारी चला रहल बिया। यही दौरान शराब के मिनी फैक्ट्री के भी उद्भेदन कैल गई बटुए। देख सकीला स्क्रीन पर कवना तरीका से पानी के बड़का बोतल में स्प्रिट रखल गई हटुए। यह पानी के बोतल के स्प्रिट के पुलिस जब्त कैले बिया। बढ़िया बढ़िया कंपनी के रैपर भी रखले रहे लोग, महंगा महंगा ब्रांड के रैपर रखले रहे लोग। रउरा सामने बटुए इंपीरियल ब्लू से लेके तमाम प्रकार के वैरायटी के रैपर लगा के माल के खपावे के फेरा में रहे लोग, लेकिन उत्पाद विभाग के द्वारा जबरदस्त अभियान चला के यह मनसूबा पे पानी फेरल गई बटुए। उत्पाद DSP के बयान सुनिए, दबा के शेयर करी, धन्यवाद। ठीक है, जिसमें लाखों थाना अंतर्गत भौरा गांव में शराब बनाने की एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, भर्रा में, सुजा ठीक है, जो कि लाखों थाना अंतर्गत है, और इसमें 2 व्यक्ति को जो है वहाँ पर शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया, उसमें एक पवन कुमार है और दूसरा सौरभ कुमार है। इसमें एक व्यक्ति जो पवन कुमार और सौरभ कुमार को संरक्षण दे रहा था और उनसे शराब निर्माण का काम करा रहा था, वो गोरे राम पे जो है फरारी का अभियोग दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण में कुल 2-3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और नकली विदेशी शराब 135 लीटर, स्प्रिट 40 लीटर बरामद किया गया। इसके अलावा लगभग 600 खाली बोतल और मैकडोवेल कंपनी, इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टेग और चैंपियन ब्रांड के बहुत सारे स्टिकर को भी जो है बरामद किया गया है। इस प्रकार जो है जहां पर से जो है शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी उसे सीलबंद कर दिया गया है, और इस पूरा जो अभियान था उसका नेतृत्व हमारे जो है निरीक्षक श्री राकेश प्रकाश ने किया गया के द्वारा किया गया है, और टीम में उनके साथ संगम विद्यार्थी और ASI गोविंद कुमार भी जो है साथ में। कितने दिनों से इस तरह का जो ये चल रहा था कारखाना, और कितने लोग इसमें थे, क्या और लोग भी कोई हैं?
नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है, और जैसे ही हमें खबर मिली कि यहाँ पर नकली शराब की जो है व्यवसाय हो रहा है, बनाया जा रहा है, हमारी टीम ने तुरंत वहाँ पर छापेमारी की।